Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन गोस्वामी प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, आज मैं इस पतंग को लड़ाने वाला हूँ. और आज जो पेच हमारा लड़ेगा बहुत बहुत दूर लड़ेगा. ये 800 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक पेच लड़ेगा, क्योंकि आज की जो हवा की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बिल्कुल मेरे फेवरेबल नहीं है और मेरे को काफ़ी लंबा पेच लड़ाना पड़ेगा. तो चलिए फ्रेंड्स, इस पतंग को हम उड़ाते हैं और आज पेच लड़ा करके आप लोगों को दिखाते हैं. फ्रेंड्स, इसकी पतंग बहुत ही अच्छी है मेरी, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा जो है इसका कमान लग गया है, क्योंकि मैं इस पतंग के ऊपर गलती से बैठ गया था. और लेकिन पतंग, मैं आपको बता दूं, ओवरऑल पतंग बहुत अच्छी है और काफ़ी लंबे रेंज में और छोटे रेंज, दोनों ही रेंज में लड़ सकता है ये पतंग. और जिस पतंग से लड़ेगा अभी हम आपको दिखाएंगे. फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने ये मांझा और सद्दी का गीट बांध दिया है. और ये देखिए, इस तरह से जो मांझा और सद्दी का गीट इस तरह से बनता है. और ये डबल लेयर जो है सद्दी का होता है, सिंगल ये मांझा का होकर के ये रिवर्स होकर के फिर ये सद्दी पे लग जाता है. और ये फ्रेंड्स, मैंने आज जो मांझा बांधा है, बहुत बड़ा लंबा टुकड़ा बांधा है मांझे का और 500 मीटर मांझा बांधा है. अब पतंग को दिखाएंगे हम आपको. और देखिए, मैं ढील दे दे रहा हूँ और ओपोनेंट की पतंग भी पहुँच चुकी है. ये कम से कम 800 मीटर से पेच लड़ना शुरू होगा और पेच काफ़ी आगे तक जा सकता है. और काफ़ी जूम करके आपको दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज पेच का आना मुश्किल होगा आज. फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा समय लगा पेच को लड़ने में, क्योंकि वो जो पेच को लड़ाना चाह रहा था उस पेच को मैं नहीं लड़ाना चाह रहा था, क्योंकि वो मेरा कन्ना पकड़ने की कोशिश कर रहा था फ्रेंड्स. और मैंने अपने हिसाब से पेच लड़ाना था और मैंने क्या किया कि जैसे ही उसने डाउन रखा है नीचे की तरफ, मैंने ना खींच करके डोट टाइट करके रख लिया और उसने पूरा मार दिया, और पूरा मारने की वजह से उसकी पतंग कट गई. फ्रेंड्स, अभी आपने जो पेच देखा, उस पेच में क्या हुआ कि मैं नीचे घुस रहा था तो वो मेरे बिल्कुल गर्दन के ऊपर ही रख रहा था, मैं ताकत लगा के घुस रहा था. हालांकि पेच मेरे को ऊपर से लड़ाना था, मैंने ऊपर से लड़ाने की कोशिश करी, लेकिन शायद वो एग्री नहीं था इस चीज़ के लिए. वो चाह रहा था कि मैं नीचे से लड़ाऊँ, वो एग्री नहीं हुआ. मैंने हालांकि पतंग अपनी ऊपर उठाई थी और छतों के पेच है, छतों के पेच में मालूम नहीं चलता है कि कौन कहाँ से लड़ाना चाहता है. जब दोनों पतंगे आपस में फेरते हैं तब पता चलता है जाकर के कौन कहाँ से लड़ाना चाहता है. एक्चुअली मैं पीछे थूँ और मेरा जो पेच था वो मेरा पेच ऊपर का था, लेकिन उसने जो पेच अपने हक में ले लिया, उसने मेरे को जो है नीचे से बुलाया.
और मेरा जो था डिसएडवांटेज था, फिर भी मैंने जितना ताकत था अंदर घुसने की कोशिश करी, लेकिन उसने मेरे गर्दन को फिर भी नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे को फिर भी वहीं से ही खींचना पड़ गया, जितना अंदर घुस सकता था मैं घुसा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि पतंग यहाँ से हवा से टूट रही है, ज़्यादा अंदर घुसना भी ठीक नहीं था, फिर मैंने वहीं से खींचा और खींच करके डोर को टाइट कर लिया, उसने गद्दा मार दिया गलती से और इस तरह से उसकी पतंग कट गई। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपको एक बात बताऊं कि आज मैंने अपने जो बाल हैं खुद ही काट लिए, और वो मशीन आता ना ट्रिमर, वो मैंने मंगवाया और उससे मैंने बाल काट लिए, और देखिए मैंने कैसे बाल काटे आप बताइए। इतने बड़े बड़े मेरे बाल हो गए थे फ्रेंड्स, यहाँ तक शोल्डर्स तक आने लग गए थे, और इतना ऑड लगता था, पूरा पसीना पसीना हो जाता था फ्रेंड्स, मैं बड़ा परेशान हो रहा था। मैंने कहा कि आज कुछ ना कुछ इसका हल करूंगा, हल जरूर निकालूंगा इसका। रोज खाली पतंग ही लड़ाता रहता, पतंगों के पेच काटता हूँ, बाल कैसे काटें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे बार्बर शॉप्स बंद हैं और जितने भी नाई की दुकानें वो सब बंद हैं, तो इस करके मैंने सोचा कि खुद ही काटना पड़ेगा, तो मैंने खुद काट लिया। देखो कैसा काटा बताना फ्रेंड्स। देखिए फिर से एक पेच लड़ने जा रहा है और एक पतंग उड़ गया है, और उससे मैं भी लड़ाता हूँ, देखिए क्या होता है। देखिए अब मैं फिर से रख रहा हूँ और अब मैं ऊपर चढ़ाऊंगा। अरे कट गई फ्रेंड्स मेरी, कट गई। फ्रेंड्स मेरी पतंग कट गई, और उसने क्या किया, उसका डोर स्ट्रेट था और उसने बिल्कुल मेरे डोर के ऊपर डोर मिला करके चला हुआ, इस करके मेरी पतंग कटी है, और उसने बहुत अच्छा पेच लड़ाया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अभी मैं एक और पतंग उड़ाता हूँ फ्रेंड्स, अब मैं इस पतंग उड़ाने लग रहा हूँ और इसको ला करके अपने पेच लड़ाऊंगा। बहुत दूर लड़ रहा है, और ये पेच कम से कम कुछ नहीं तो 800 से 1000 मीटर और उससे भी ज़्यादा पे लड़ रहा है, क्योंकि आज जो हवा की स्पीड है वो बहुत अच्छी है, और पेच जो है लड़ते लड़ते बहुत जल्दी काफ़ी दूर निकल जा रहा है, और इस करके पेच जो है रेंज से बाहर जा करके लड़ रहे हैं, कोई छक्कों का रेंज नहीं है। देखिए फिर पेच लड़ने जा रहा है, जो पतंग ऊपर चक्कर ले रही है, मैं अभी इसको ऊपर करता हूँ। ये देखिए जिसको मैंने रोक दिया, ये ऊपर कर लिया, ये मेरी पतंग है, और जो वो अपोनेंट की पतंग है दूसरी वाली है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा दूर लड़ा ये पेच 1000 मीटर भी क्रॉस करके आगे निकल गया, और पतंग की स्पीड बहुत ज़्यादा आज पकड़ रही है, क्योंकि आज जो विंड की स्पीड है वो 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है फ्रेंड्स, और ये बहुत
ज़्यादा होता है अगर पतंगबाजी की अगर आप वो करें बात करें तो उसके हिसाब से 19 किलोमीटर पर आवर बहुत है, और पेज जो है 700-800 मीटर से फिरते फिरते वो 1000 मीटर से भी आगे पहुंच जा रहा है। और इस पेज में मैंने ऊपर से लड़ाया, अपने पिछले पेज का बदला लिया, मैं उसके डोर के साथ डोर बिल्कुल मिला करके चला, मैंने उसको खींचने की ज़रा भी जगह नहीं दी उसने, लेकिन फिर भी खींचने की कोशिश करी, और जैसे ही खींचने की कोशिश करी और फ्रेंड्स मेरी पतंग इतनी तगड़ी है कि ये कम से कम कुछ नहीं तो आपको तो मैं पकड़ा नहीं सकता, लेकिन अगर आप मेरी जगह होते तो आप पकड़ करके इसको देखते तो आपको पता चल जाता है ये कितनी तगड़ी पतंग है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो पौना पतंग है और ये बना हुआ है आपके कानपुर के बहुत ही अच्छे कारीगर का बना हुआ है, और कानपुर के जफर भाई के हाथ का पतंग बना हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा लोहा लट पतंग है फ्रेंड्स, मैं ये आपको बता दूँ। तो ये मेरा पतंग बहुत ज़्यादा भारी होने की वजह से वो खींच नहीं पाया, और मैं इस बार डोर से डोर बिल्कुल मिला के चला, मैंने जैसे उसने पिछली बार मेरा काटा था मैंने भी उसी तरह से इसका पेच काटा इस बार। फ्रेंड्स देखिए फिर पेच लड़ने जा रहे हैं, ये पेज 700 मीटर पर लड़ रहा है, और आज विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है इसलिए पेज करके लड़ाने की जो भी हम सोच रहे हैं फंसा करके और डोर लगा करके लड़ाने की ज़्यादा सोच रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स भी लड़ने जा रहे हैं, और मेरी पतंग ऊपर से फ्रेंड्स उसके नीचे से आ गई है, और पेस फिर वो निकलने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स, लेकिन इस बार उसको मैं निकलने नहीं दूंगा किसी भी हालत में। मैंने रख दिया फ्रेंड्स, पेस ढीलों का लग चुका है, और देखिए वो खींचेगा तो जाएगा, हो गया काट दिया फ्रेंड्स, उसको निकलने नहीं दिया। आपने देखा कि कितना मस्त पेस था ये, उसको बिल्कुल भी मैंने जगह नहीं दिया। फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करूंगा क्योंकि अब पेस दिखाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, पेज 1000 मीटर से भी ऊपर सारा पेज 1000 मीटर से ऊपर लड़ रहा है, इस करके पेज दिखाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए अब मैं पतंग उतार ले रहा हूँ और ये वीडियो अब मैं बंद करता हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा इसको जरूर आकर के कमेंट बॉक्स में आकर के बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।